हे प्रिंस, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। एक हिंदू पंडित ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना दिया, तो तो चले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये आजकल धर्म परिवर्तन का बहुत ही देखने को मिल रहा है, ट्रेंड जब चल रहा है। से केरला स्टोरी आई है, तो चलिए चले। वीडियो शुरू करते हैं। पंडित शंखधारा ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, फिर प्रेमियों से उनकी शादी करा दी। आपको बताते चले कि इस रिपोर्ट को दैनिक भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर और अपने चैनल्स पर नशर किया है। दैनिक भास्कर ने बाकायदा इस पंडित के पास जाकर इसका इंटरव्यू लिया और जो बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, खुद पंडित ने ये बातें दैनिक भास्कर के रिपोर्टर से बोली है। तो आइए पूरा मामला देखते हैं, आखिर क्या है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त द केरला स्टोरी फिल्म चर्चा में है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकी संगठन ISIS से जुड़े लोग हिंदू और ईसाई लड़कियों को निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करवाकर सीरिया भेजते हैं। लेकिन आज इसके अपोजिट यहां पर एक सच्ची कहानी बरेली में चल रही है। यहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है, फिर उनके हिंदू प्रेमियों के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। धर्मांतरण और शादी का यह काम के शंकर धारा करवाते हैं। पिछले 10 साल में 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवा चुके हैं। आपको बताते चले कि जब से दैनिक भास्कर ने यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर पोस्ट की है, उसी वक्त से बड़े बड़े जर्नलिस्ट गोदी मीडिया से और हुकूमत से खुलकर पूछ रहे हैं। इसी तरह सदब आफरीन ने अपने ट्विटर के जरिए गोदी मीडिया और हुकूमत से सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में के शंकर धारा पंडित ने पिछले 10 सालों में 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं। पंडित के शंकर धारा मुस्लिम लड़कियों के पहले धर्मांतरण करवाते हैं, फिर हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा देते हैं। अगर कोई प्रेम करता है तो फिर परिवर्तन क्यों? लव जिहाद के नाम पर दिन रात समुदाय विशेष को रोज टारगेट किया जाता है। अब सवाल यह है कि इस धर्मांतरण को क्या नाम दिया जाएगा, ए गोदी मीडिया। और आपको बताते चले कि डॉक्टर श्वेत जमाई ने भी इस पूरे मुद्दे को मीडिया के सामने उठाया है, जिसको आप आए दिन टीवी पर देखते होंगे। डॉक्टर श्वेत जमाई ने अपने बयान में क्या कहा है, आप पहले उसे सुनिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे हमला हुआ है, हम रुक जाएं, हम खामोश रहें, क्या करें? जिंदा दरगोर कर दें अपने बच्चों को, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? कल को ये आज इस पे हमला कर रहे हैं, ये हमारी बेटियों के खून के प्यास हैं। ना जाने कितनी हमारी मुसलमान बच्चियां जो भगवा लव ट्रैप में फंस के गई है, उसकी लाश बोरे में मिली है सर, ट्रेन की पटरियों पर मिली है। कितने केसेस में आपको गिनवा दूं? विश्व हिंदू परिषद का यहाँ से संगठन का अध्यक्ष और ये जो पुजारी जुड़े हुए हैं खुलेआम कहते हैं कि मैं इतने हजार और इतने सैकड़ों मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा चुका हूं। तो आपने सुना कि डॉक्टर श्वेत जमाई ने किस तरह खुलेआम गोदी मीडिया से ये बात पूछी है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी हैशटैग भगवा लव ट्रैप से अपनी बात को मीडिया के सामने रखा है। डॉक्टर श्वेत जमाई ट्विटर पर लिखते हैं, कभी आपने सुना है कि हिंदुस्तानी मुसलमान के कोई बड़े धर्म गुरु, मुफ्ती या किसी बड़े संगठन के मुखिया ने हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कोई ऐलान किया हो, या कोई ऐसा संगठन जो मुसलमान लड़कों को पैसे देने की बात करता है? ऐसे करने के लिए कभी नहीं, नेवर। मैं अपनी 10 साल के सक्रिय राजनीतिक करियर और पिछले कई वर्षों से टेलीविजन पर प्रमुखता से एक्टिव रहते हुए कभी भी ऐसा कोई मामला नहीं देखा, और न ही इस पर किसी मीडिया चैनल ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखा पाया। मगर आप हिंदुत्व संगठन के तमाम बड़े नेताओं और इनके इनाम देकर मुसलमान लड़कियों को फंसाने की वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजीर बनते रहे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सोच में और उनकी घटिया मानसिकता में कितना फर्क है। कोई भी लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं या प्रेम संबंध है, हम उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देते। मगर प्रेम के नाम पर अगर कोई हिंदुत्व संगठन मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद और इज्जत खराब करने की साजिश रच रहा है, तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुस्लिम समाज को जागरूक करने के साथ साथ ऐसे लोगों का कार्यक्रम भी बजाएंगे। अब हम आपसे एक बात खुलकर पूछना चाहते हैं कि आप अपनी मुस्लिम बहनों के लिए
और अपनी मुस्लिम बहनों को मुर्तद होने से बचाने के लिए आप कानूनी एतबार से क्या कर। वाओ, बहुत मतलब सच वीडियो था। बहुत ऐसा भी था कि बिलीव तो करना चाहिए, क्योंकि दैनिक भास्कर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, और आप सोच सकते हैं कि 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया 10 साल में। लेकिन मतलब वो अपने प्रेमियों से ही शादी कर दी थी, लेकिन पंडित जी ने धर्म परिवर्तन करवाया और शादी भी करवाई। उनकी मर्जी से शादी हुई, हम ये नहीं कह सकते कि शादी जबरदस्ती करवा दी गई, लेकिन मर्जी से हुई, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाया। और इतने सारी लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो मुस्लिम जो उनके माता पिता है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, ये सब कुछ माता पिता को पता होना चाहिए। माता को तो पता होता है, माता ये तो मतलब वो ध्यान रखती है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन आजकल नहीं, लड़कियां पता होने देती कुछ कुछ बातें घर वालों को, लेकिन फिर भी नहीं होने देती। बहुत सी बहुत चालाक लड़कियां हैं आजकल, लेकिन फिर भी बहुत ही चालाक लड़कियां है तो होती है ऐसी लड़कियां तो, लेकिन फिर भी लड़कियों, अगर आपकी लड़की बड़ी हो चुकी है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। तो ये माँ बाप का भी फर्ज होता है, और सब मतलब 78 लड़कियों का ये धर्म परिवर्तन होने के बाद आपको पता चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये प्रोसेस, मुझे तो यही लगता है कि अगर एक दो लड़कियों के साथ किसी भी धर्म की लड़कियाँ हो, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो सतर्क हो जाना चाहिए, अगर मतलब सभी घर वालों ने, सभी लड़कियों ने भी, कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब मुझे तो बहुत हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे ही है, अगर कोई एक लड़की गलत कदम उठाती है तो सारे गांव वाले सतर्क हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी बात पता चल जाती है कि कौन सी लड़की किसके साथ। और आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले बहुत बात फैलाते हैं, तो इससे तो सतर्क होना चाहिए। और मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही सिस्टम है, अगर एक लड़की गलत हो गई तो सारी लड़कियाँ अच्छे से रहेंगी, और सभी को पता होगा कि कौन सा लड़का हमें किस तरह से फंसाएगा। तो ये बहुत चालाक होती है लड़कियाँ, और ये होनी भी चाहिए इस मामले में, सतर्क रहने के मामले में। तो मतलब उन लड़कियों की तो अपने हिसाब से ही शादी हुई होगी, हाँ, उन्होंने मना भी नहीं किया। और 10 साल में 78 लड़कियाँ, आंकड़ा कम लगता है, पर ये धीरे धीरे हुआ। ये सिर्फ कहते हैं लव जिहाद, लेकिन लड़कियों की भी मर्जी होती है। अगर हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करनी है तो उसमें लड़की की मर्जी है, लड़के की भी मर्जी है, और मुसलमान लड़की को हिंदू लड़के से शादी करनी है वो भी मर्जी ही होती है उनकी। तो इसे मतलब जो कानून है वो बहुत सपोर्ट करता है ऐसी बातों को। तो इसे आप लव जिहाद तो मतलब कहते हैं आप लोग लव जिहाद, मतलब कहते हैं तब जब हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है। और इन्होंने कहा भगवा लव ट्रैप, अभी ये नया आया है कुछ, तो इसका मतलब होता है कि हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है। तो आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।